दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुनील कुमार यादव आप सभी देखने वालों का अभिवादन करता हूं। और आज का मेरा विषय है ओलंपिक मोटो। ओलंपिक मोटो जैसे आप सभी जानते हैं CTS, LTS और 4TS, सबसे तेज, सबसे ऊंचा और सबसे बलशाली। इस आदर्श वाक्य को देने वाले कौन थे और ये आदर्श वाक्य सबसे पहले कहाँ दिया गया? इस आदर्श वाक्य को देने वाले जो थे वो डोमिनियन पुजारी थे, हेनरी डिडोन। हेनरी डिडोन साहब ने इस आदर्श वाक्य को लिखा था और 1881 में इस आदर्श वाक्य का सबसे पहले प्रयोग किया गया था और उस समय ओलंपिक खेल भी नहीं होते थे। 1881 में एक स्कूल के प्रोग्राम में हेनरी डिडोन साहब ने इस आदर्श वाक्य को रखा और जो स्कूल का फंक्शन था उसमें इस आदर्श वाक्य को रखा। इत्तेफाक यह था कि उस फंक्शन में ओलंपिक खेलों के जन्मदाता पीरियर द कुर्बेटेन साहब भी मौजूद थे। उनको ये आदर्श वाक्य जो बहुत अच्छा लगा और बाद में ओलंपिक खेलों का उन्होंने इस मोटो को ले लिया। तो क्वेश्चन एक आता है कि आदर्श वाक्य जो है ओलंपिक खेलों का, उसका जन्मदाता कौन है, उसको किसने लिखा? तो डोमिनियन पुजारी हेनरी डिडोन साहब ने इस आदर्श वाक्य को लिखा था। दोस्तों इसमें परिवर्तन हुआ क्योंकि परिवर्तनशील जगत है। 2021 में पूरी दुनिया कोरोना से संक्रमित हो रही थी और 125वें ओलंपिक कमेटी के अधिवेशन में इसमें कुछ संशोधन किया गया और इसमें एक नया शब्द जोड़ा गया, टुगेदर। 21 जुलाई 2021 को एक नया संशोधन हुआ और इस आदर्श वाक्य में सबसे तेज, सबसे ऊंचा और सबसे बलशाली के साथ साथ एक शब्द जुड़ा, टुगेदर, हायर, स्ट्रांगर, फास्टर एंड टुगेदर। तो ये जो 2021 में 125वीं ओलंपिक काउंसिल में जो बैठक हुई 21 जुलाई 2021 को, उसमें एक नया शब्द जोड़ा गया जिसको हम CTS, LTS, 4TS और कॉग्निशियस के नाम से जानते हैं, या हायर, स्ट्रांगर और टुगेदर, हायर, स्ट्रांगर, फास्टर और टुगेदर के नाम से जानते हैं। ये एक अपडेट है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।